Hare Krishna. So in the ninth verse of the 17th chapter of Gita entitled The Divisions of Fate, कल हमें भगवान ने सात्विक आहार के बारे में बताया. सात्विक आहार कैसा है? रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय. और इसके कारण होता क्या है? आयु स्वास्थ्य ये सब वृद्धि होती है, प्रीति की भी वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है. राजसिक अन्न कौन सा है? तो भगवान कहते हैं इन द नाइन्थ वर्स टुडे, कट्टु अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजसस्येता दुख शोक मय प्रदाह. Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those who are in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. तो जो राजसी व्यक्ति होंगे उन्हें किस प्रकार का अन्न अच्छा लगेगा? So, कटु कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण अति. लवण means नमक. मैं महाराष्ट्र बैकग्राउंड से हूं तो हमारे यहाँ अचार को पितल को लोणचे बोलते, लोणचे दुआ में भी लोणचे. सो लोणचे ये अपभ्रंश है लवणचे. लवण मींस नमक. सो हम देखते हैं कि पिकल में बहुत सॉल्ट जाता है एंड सॉल्ट इज अ प्रिजर्वेटिव. इसलिए जहां पर भी किसी को एक्स्ट्रा डीपी हो जाता है उसे बोलते हैं आप अचार बंद करो. अचार क्यों बंद करो? उसके तेल वगैरह से प्रॉब्लम नहीं, उसके नमक से बहुत प्रॉब्लम. नॉर्मल क्वांटिटी के 4 या 5 गुना नमक होता है उसमें. जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होगा, आप एक नॉर्मल आप अगर नींबू पानी बनाएंगे तो एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, 1.5 चम्मच शक्कर डालेंगे. जो हम प्रोसेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें 1 ग्लास में 9 चम्मच शक्कर. तो कहां 1.5 चम्मच और कहां 9 चम्मच. वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वाला पेप्सी या थम्सअप या मिरिंडा हो या फिर फ्रूटी या स्लाइस या माजा हो, 1 ग्लास में आप 9 चम्मच शक्कर पी रहे हैं. वैसी आप अगर इतना सा अचार का टुकड़ा खाते हैं तो आप उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नमक खा रहे हैं. कन्नड़ में भी हम देखते हैं अचार को उपन काय बोलते हैं. उप मींस सॉल्ट, उपन काय वो सॉल्ट से ही भरा हुआ है. सो टू मच सॉल्टी इज राजसिक इन नेचर एंड दैट इज वाई राजसिक व्यक्तियों को सॉल्ट बहुत अच्छा लगता है. फिर अति उष्ण बहुत गरम, बहुत ही गरम खाना. सो गरम खाने से परहेज नहीं है, ठंडा नहीं खाना चाहिए लेकिन एकदम ऐसे लोग पालो तो. मैं कुछ अपने रिलेटिव्स को जानता हूं, जैसे ही निकलेगा बर्तन से उसमें से भाप आती रहेगी ऐसे. अति उष्ण फिर तीक्ष्ण तीखा लगता है. So, जो यहां तीखा लगता है, सही भगवान ने मुंह और उसके टेस्ट क्यों दिए हैं? क्योंकि जो यहां लगेगा वैसे ही वो अंदर रहेगा. हम चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट हर जगह चिपकता है, वही अंदर जाके चिपकेगा. सिंपल सी चीज है. आप यहां पे आप फ्रूट्स खाइए, टक 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 नीचे जाएगा, यहां पे कुछ चिपकेगा नहीं, वैसे ही वो अंदर भी नहीं चिपकेगा. सो नेचुरोपैथी डाइट में ये लोग रिकमेंड करते हैं, अरे आप फ्रूट्स खाइए, कच्ची चीजें खाइए, आप कच्चे फ्रूट्स खाइए या सलाद खाइए, कुछ नहीं करेगा. लेकिन उसे आप पकाइए वो थोड़ा स्टिकी बन जाएगा. सो जो आपको फूड स्टफ यहाँ पर फील दे रहा है वही असर वो यहाँ पर भी कर रहा है. तो यहाँ पर अगर तो यहाँ पर भी उसका वही काम हो रहा है. तो अंदर इंटेस्टाइन को और स्टमक को वो भी अंदर उसको पचाने के लिए. इसलिए भगवान ने हमको ये दिया है
सो तीक्ष्ण रुक्ष, बहुत ही सूखा खाना, हमने कल देखा था सात्विक आहार यानी स्निग्ध, इट इज वेट जूसी, राजसिक आहार यानी रुक्ष, इट इज वेरी वेरी ड्राई, उसमें कोई रस नहीं है, विदाहीन अर्थात इट इज बर्निंग। हम बोलते हैं ना जब चाट वाले के बाद, अरे भैया थोड़ा ज्यादा तीखा करना है, गोलगप्पे ये सब खाने में, अरे भैया थोड़ा ज्यादा तीखा डाल। सो विदाहीन इट इज राजसिक इन नेचर, ये करेगा क्या? सो अगर हम ऐसे कटु, अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण या रुक्ष, विदाहीन अन्न खाएंगे तो उसे क्या होगा? दुख शोक अमय प्रदह, दुख डिस्ट्रेस, शोक मिजरी एंड अमय डिजीज। तो ऐसे चीजों से, ऐसे अन्न से हम केवल रोगों को नियंत्रित करेंगे और रोगी शरीर दुखी तो रहेगा और कैसा। सो शरीर रोगी होगा, दुखी होगा, तो ऐसा अन्न खाएंगे तो वैसा मन होगा, वैसा शरीर होगा और वैसे ही जीवन आगे बीतेगा। चॉइस हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।